हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कैजुअल लाइफस्टाइल पर। मैं हूं भावना कार्की। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, क्योंकि आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से मेरे चैनल ने अपने 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं, जो किसी भी एक यूट्यूबर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो इस प्यार और सपोर्ट के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आप आगे भी इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं बात कर रही हूँ मिल्टन थर्मोस्टील सूप फ्लास्क ऑफ 350 ml। इसको अभी मैंने रिसेंटली अमेजोन से परचेज किया है। इसके रिव्यूज़ वगैरह पढ़ करके मुझे बहुत ये अच्छा प्रोडक्ट लगा, इसीलिए मैंने इसको ख़रीदा है। मैं आपको बता दूँ, ये मिल्टन का दूसरा 1.5 लीटर का थर्मोस्टील। मैं कम से कम 3 से 4 सालों से इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, पर इसमें एक प्रॉब्लम आ गई थी कि इतने सालों से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको डीप क्लीन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इसका माउथ पोर्शन थोड़ा छोटा है, इस वजह से इसलिए मैंने इसको परचेज किया। इसके अब मैं आपको बेनिफिट्स बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, इसमें स्टेनलेस स्टील मटेरियल यूज़ हुआ है, सिल्वर एंड ब्लैक कलर में ये हमें मिल जाता है। साथ में इसकी कैपेसिटी 350 ml है और ये अपने अंदर हॉट एंड कोल्ड लिक्विड को लगभग 4 से 6 घंटे तक रख लेता है और ये 100% लीक प्रूफ प्रोडक्ट है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा, मिल्टन की टैग लाइन है कुछ नया सोचते हैं, तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट में उन्होंने कुछ नया सोचा है, क्योंकि इसको होल्ड करना बहुत इजी है, जो कि बाकी थर्मस में इतना इजी नहीं होता है। वो थोड़े स्लिपरी हो जाते हैं कभी कभी, बट ये होल्ड करना इसको काफ़ी इजी है। इसको क्लीन करना भी बहुत इजी है, क्योंकि इसकी गहराई ज़्यादा नहीं है, इस वजह से ये काफ़ी अच्छी तरह से हमेशा क्लीन हो जाता है। इसको हम डायरेक्टली सिप करके इससे ड्रिंक कर सकते हैं। इसको हम जिम में, आउटडोर, इंडोर्स, कहीं भी, स्कूल में, कहीं भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसके साथ 1 ईयर की वारंटी मिलती है। साथ ही साथ ये अपने अंदर 4 से 5 घंटे तक ड्रिंक्स को सेम टेस्ट में बनाए रखता है और इसमें 100% नॉन टॉक्सिक फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील मटेरियल यूज़ हुआ है। ये काफ़ी लाइट वेट है और इसका लुक्स भी मुझे बहुत पसंद आया, काफ़ी अच्छा इसका लुक है। फ्रेंड्स, अगर मैं इन दोनों फ्लास्क को कंपेयर करूं तो इस फ्लास्क में ये प्रॉब्लम है कि इसमें टाइम के साथ साथ गिरने पर इसमें इस तरह से डेंट आ जाते हैं गिरने की वजह से, और इसका लुक फिर ख़राब हो जाता है और इसमें क्लीनिंग करना भी थोड़ा सा मुश्किल रहता है। इसको होल्ड करने में भी प्रॉब्लम रहती है, कभी कभी ये स्लिपरी भी हो जाता है। बात करें इस फ्लास्क की, तो इसको हैंडल करना बहुत ईजी है, इसको क्लीन करना बहुत ईजी है और इसका डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि इसमें कभी डेंट नहीं आएगा। ये डेंट प्रूफ प्रोडक्ट है और इजी टू हैंडल है, ये इसकी इसी वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो फ्रेंड्स, मुझे ये बॉर्डर पैटर्न फ्लास्क काफ़ी पसंद आया है, इसीलिए मैंने इसका रिव्यू किया है, क्योंकि ये अपने वॉर्म्थ को तो बनाए रखता है, साथ में ये इजी टू क्लीन है बहुत, और इसको बच्चे भी इजीली यूज़ कर सकते हैं, और ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट तो डेफिनेटली है। तो आप इसको खरीदना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप इसकी प्राइस भी देख सकते हैं और अदर डिटेल्स भी उस लिंक में जाकर के देख सकते हैं, और इसको परचेज करना नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thank you.